नमस्कार, मैं हूँ सानिया राज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। इस वक्त हम लोग कॉम्प्लेक्स थिएटर में हैं और यहाँ पर सम्राट चौधरी और साथ में जो 370 मूवी है आर्टिकल 370, उसके तमाम स्टार कास्ट भी आए हुए हैं और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इस फिल्म के प्रमोशन को लेकर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टार कास्ट मौजूद हैं, साथ में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आर्टिकल 370 जो मूवी है इसके प्रमोशन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम चीज़ें कह रहे हैं। चलिए अंदर चल के देखते हैं। देखिए, इस देश का सपना था अखंड भारत बने, इस देश का सपना था 370 को समाप्त किया जाए। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी 1950 में इस सपने को देखे थे, उसको पूरा करने का काम आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार और आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने पूरा किया। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ने मैंडेट दिया और मैंडेट के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस पूरे सपने को, भारत के सपने को एक किया। कश्मीर से कन्याकुमारी अब भारत एक है, ये सपना पूरा हुआ। और इसी फिल्म के माध्यम से जो अनसुनी कहानी, इसको आम लोगों तक पहुंचाने का काम आदित्य जी और पूरी टीम जो 370 की फिल्म के पूरी कास्ट के टीम है वो लोग पूरे देश को पहुँचा रहे हैं। इसलिए मैं इनको भी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ पूरे बिहार वासियों से, पूरे देशवासियों से आग्रह करता हूं, सभी लोग 370 को देखें। कैसे भारत एक हो रहा है, कैसे अनसुनी कहानियां, कैसे पीछे कैसे इस पूरी रचना की गई और भारत श्रेष्ठ हो, एक हो, यही तो सपना है पूरे भारतवासियों का। देखिए, जिनको विरोध करना है वो करते रहेंगे, उनको ये पता ही नहीं कि विरोध किस लिए कर रहे हैं। कश्मीर एक ऐसा राज्य रहा जब तक 370 लागू नहीं था, कश्मीर सेकुलर नहीं था, पता है आपको, सेकुलर नहीं था। श्रीमती गांधी ने इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा था सेकुलर शब्द और कश्मीर में सेकुलर शब्द नहीं आया था आज तक। अब तो देश सेकुलर हो गया, कश्मीर सेकुलर हो गया, इसलिए इनको तो खुश होना चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको पता नहीं, मोदी जी जो काम करेंगे उसका सिर्फ विरोध करना है। धन्यवाद। 5 अगस्त 2019 को बहुत ही ऐतिहासिक डिसीजन था। इस डिसीजन से कहीं ना कहीं पूरा हिंदुस्तान एक हो गया और जो सोच थी कि कश्मीर हमारा था, है और रहेगा, इस सोच को सही में वो अंजाम देने वाला दिन था। तो कहीं ना कहीं इस मिशन को, इतना सीक्रेटिव मिशन को, जिस तरीके से आर्म्ड फोर्सेस, पीएमओ, ब्यूरोक्रेट्स, पूरी की पूरी टीम, इसी के साथ हमारे गृहमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने एक टीम को जुटाकर जिस तरीके से इस मिशन को सक्सेसफुल किया था, इसकी कहानी सारे हिंदुस्तान को बताना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि इसके पीछे जिस तरीके से काम किया गया था किसी को पता नहीं था। कहीं ना कहीं यही सोच से हमने आर्टिकल 370 ये फिल्म बनाई, आर्टिकल 370 के ऊपर फिल्म बनाई। और हमारी चाहत थी कि जो कुछ ऑडियंस को पता नहीं है, हिंदुस्तान को पता नहीं है कि पीछे क्या क्या हुआ था, वो इस फिल्म के माध्यम से हर हिंदुस्तानी के पास ये कहानी पहुँचे। और जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान ने रिस्पांस दिया है बहुत ही लाजवाब है। हमें बहुत बेहद खुशी होती है कि जिस उद्देश्य से हमने ये फिल्म की थी उसका कहीं ना कहीं आज हमें रिजल्ट दिख रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ, आज हम पटना में हैं, हमारे डिप्टी सीएम सर जी के साथ हम यहाँ पे शो देख रहे थे। बहुत ही अच्छा लगा जिस तरीके से रिस्पांस आया है हर जगह पे, इंक्लूडिंग बिहार, पटना, हर जगह से। तो हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी है वो भी जाकर ये सिनेमाघरों में फिल्म देखे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर हिंदुस्तानी तक ये फिल्म पहुँचे और मैं बहुत ही खुश हूँ इस तरीके का एक स्क्रीनिंग यहाँ पे पटना में हो रहा है।